नमस्कार, मैं डॉक्टर जगदीश सखिया, चीफ डर्मेटोलॉजिस्ट ऑफ सखिया स्किन क्लिनिक। आप सब जानते हैं कि IADVL जो इंडिया में डर्मेटोलॉजिस्ट की प्रीमियम ऑर्गेनाइजेशन है, कि इसको बोलते हैं इंडियन एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट, वेनेरोलॉजिस्ट एंड लेप्रोलॉजिस्ट। तो जो IADVL है उसके बैनर के नीचे हमने ये 6, वैसे तो 6 अप्रैल को वर्ल्ड स्किन हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है, परंतु हमने पूरा वीक, क्योंकि स्किन इतना लार्जेस्ट ऑर्गन है कि एक दिन में पूरा जनरल पब्लिक को एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट है, तो हमने के पूरे वीक को सेलिब्रेट किया एक वीक में। तो हमने डेली अलग अलग सब्जेक्ट चूज किया है। तो मेरी पूरी मीडिया टीम है, मीडिया सेल टीम है IADVL की, इसके साथ सब एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है, कन्वेनर है, तो सब लोग अलग अलग स्टेट में स्किन डिजीज के बारे में, स्किन प्रॉब्लम के बारे में और इसका सोल्यूशन के बारे में जनरल पब्लिक को हम अवेयरनेस ला रहे हैं। तो आज का टॉपिक है समर टिप्स एंड सनस्क्रीन के बारे में। तो हमने ये पूरे दिन ये मुहिम चलाया और हमने काफी क्वेश्चंस हमें मिला है। तो अब सबसे पहले तो मैं ब्रीफ में बता दूं कि ये सनस्क्रीन क्यों होता है, क्यों यूज करते हैं, और दूसरे के समर टिप्स में क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं और क्यों कर सकते हैं, क्योंकि क्या क्या कर सकते हैं आपको सब जगह पे मिल जाएगा, तो क्यों करते हैं वो समझ में नहीं आते। तो सनस्क्रीन इसीलिए है कि सन प्रोटेक्शन, जो आप देखो 20-30 साल पहले जब हमारा जो दादा जो होता है ग्रैंडफादर, तो पूरे दिन गांव में काम करते हैं, तो कोई भी स्किन प्रॉब्लम नहीं होते। हाँ, एजिंग जरूर फास्ट आती है, क्योंकि यूवी रेस ज्यादा होते तो इलास्टिक फाइबर, कोलेजन फाइबर थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता, तो एजिंग थोड़ा फास्ट होता है, पर अदरवाइज इसका कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। परंतु जब से पॉल्यूशन है, ये सब जो ग्रीन लाइट जो इफेक्ट हाउस जो बोलते हैं, ग्रीन हाउस जो इफेक्ट बोलते हैं, इससे हमारा जो ओजोन लेयर है ना, क्योंकि ऊपर से सन में से UVA और UVB तो धरती पे आ ही रहा था, परंतु जो UVC है जो मोर डैमेजिंग है, वो भी अभी पृथ्वी पे आ रहा है। तो UVC होता है ना, एक सिंपल मॉडल को समझा देता हूँ कि एक विजिबल लाइट होती है, विजिबल मीन इसका 400 to 700 नैनोसेकंड, इसके बीच में हम देख सकते हैं। ह्यूमन हाई 400 से नीचे नहीं देख सकता है और 700 से ऊपर नहीं देख सकता है। तो 700 से ऊपर उसका बोलते हैं इंफ्रा रेड रेज, और 400 से नीचे होता है उसको बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रेज। तो अल्ट्रावायलेट रेज को पहले देखते हैं, इसमें UVA, UVB, UVC जो आती है, उसके साथ गामा रेज होता है, वो सब जो रेज होता है ना, सब इसमें आता है। और इंफ्रारेड में जो रेडियो फ्रिक्वेंसी जो आता है, माइक्रोवेव ओवन जो आता है, टेलीविजन का जो आप जो मोबाइल जो देखते हो सुनते हो, इसका जो रेज होता है ना वो इंफ्रारेड, ये कोई ह्यूमन आई देख नहीं सकती, और अल्ट्रावायलेट रेज भी आप ह्यूमन आई देख नहीं सकती, सिर्फ हम 400 से रेड टू ब्लू इसके बीच में हम ह्यूमन आई देख सकती है। तो अभी जब हम बात है सनस्क्रीन, तो अभी तीनों टाइप का आ गया, क्योंकि अभी जो सन में से जो तीनों टाइप का जो रेज होता है, अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट और इंफ्रारेड, तीनों डैमेज करता है, वो प्रूव हो गया। सबसे ज्यादा डैमेजिंग होता है अल्ट्रावायलेट रेज, इससे ज्यादा डैमेज करता है इंफ्रारेड रेज, इससे कम डैमेज करता है विजिबल लाइट, पर डैमेज तो तीनों करता है। तो अभी सनस्क्रीन का काम क्या है कि तीनों से बचाए, परंतु हम अभी पहले बात करेंगे यूवी रेज होता है इसके प्रोटेक्शन के बारे में, क्योंकि यूवी रेज में मोटे मोटे तौर पे UVB और UVA होते हैं। UVA थोड़ा डीप जाता है, इसीलिए UVA से एजिंग प्रोसेस फास्ट होती है, और UVB सुपरफिशियल होता है, इसीलिए पिगमेंटेशन ज्यादा आती है। जब हम कोई सी बीच में जाते हैं, कोई वाटर पार्क, तो हमारी स्किन काली होती है मेनली ड्यू टू UVB, परंतु परसिस्टेंट एक्सपोजर रहता है, हम पूरे महीने हम डेली स्विमिंग में डे टाइम में जाते हैं, तो जो रिंकल्स बनता है, जो झुरिया आती है, वो UVS होती है। तो आपको ये जमाना गया कि सिर्फ आप UVA का सनस्क्रीन यूज करो, UVB का नहीं करो, ऐसा नहीं। आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम, जब भी आप सनस्क्रीन जब खरीदो तो आपको अंदर वो आपको अंदर देखना चाहिए कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन होना चाहिए, कि वो UVA और UVB को ब्लॉक करे। अभी तो HEV हाई एनर्जी विजिबल लाइट भी आ गया है। हम कंप्यूटर के सामने बैठते हो तो जो ब्लू लाइट आती है, मोबाइल के सामने बैठते हो ब्लू लाइट आती है, वो भी आई को तो डैमेज करती है, स्किन को भी डैमेज करती है, तो उसका भी सनस्क्रीन आ गया। इंफ्रारेड जो रेस होता है, इसका भी सनस्क्रीन आ गया। तो मुश्किल है कि कितना सनस्क्रीन का लेयर लगाए, तो ऐसा चूज करना चाहिए कि सबके सामने ऑल इन वन होना चाहिए, तो काफी मार्केट में अवेलेबल है।
दूसरा जो मिथ है कि SPF सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर मार्केट में 15 से लेके 100 तक मिलता है, तो कौन सा चूज करें? तो जो SPF 30 वो स्टैंडर्ड है, मीन्स 30 मीन्स आपको 97% सन रेस से जो अनवांटेड रेस है इसे बचाएंगे। परंतु ऐसा नहीं है कि आपने सन SPF 50 लिया तो आपको 100 प्लस जो भी मार्जिनल पड़ता है, मानो कि SPF 30 लिया तो आपको प्रोटेक्शन 97% होता है, अगर आपने SPF 50 लिया तो सिर्फ 98% 1% ज्यादा होता है, परंतु आप SPF जो ग्रीन है तो 20 बढ़ जाता है। तो ये वर्ल्ड का कोई भी सनस्क्रीन 100% प्रोटेक्शन नहीं दे सकता है, वो दिमाग में रखना। और कोई भी वर्ल्ड का बेस्ट सनस्क्रीन 4 घंटे से ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं देता है। तो इसीलिए जब भी आपको कोई सेंसिटिविटी हो, पिगमेंटेशन की कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो, लेजर की ट्रीटमेंट ले रहे हो और आपको सन में जाने से तुरंत पिगमेंट आ जाए, तो उसका रूल है कि 8, 12, 3 तीन बार सनस्क्रीन लगाना, 8 बजे, 12 बजे और 3 बजे, अगर आपको आउटडोर एक्टिविटी रहती है तो। अगर आपको इनहाउस एक्टिविटी रहती है तो आपको पीक कवर में रखना कि 4 घंटे में वो आपका सोल्यूशन ला सके। तो एक ये होगा। अभी बोला सनस्क्रीन कितने टाइप का होता है, मेजोरिटी तो दो क्लासिफिकेशन है कि केमिकल सनस्क्रीन, फिजिकल सनस्क्रीन। एक दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक है। और भी मिनरल बेस, सिलिकॉन बेस, काफी ऐसा टाइप आता है, पर मेन दो ही क्लासिफिकेशन है। जो आप क्रिकेटर हो, जो व्हाइट दिखता है ना, ये ऑलवेज फिजिकल सनस्क्रीन होता है, वो दिखता है। फिजिकल सनस्क्रीन आप लगाने के बाद इसकी तुरंत इफेक्ट आ जाती है। कोई किसी को बोले कि भाई लगाने के बाद तुरंत निकलना है तो आपको फिजिकल सनस्क्रीन लगाना है। कोई भी इंटेंस सनलाइट है, मानो कोई बीच है, कोई भी जगह वैसे जाते हो और वहाँ ज्यादा है, तो आपको ऑलवेज फिजिकल सनस्क्रीन लगाना है। केमिकल सनस्क्रीन में ऑलवेज इफेक्ट आने में 20 से 30 मिनट लगता है, क्योंकि इसकी इफेक्ट आने में उसको वहां सेटल होने में टाइम लगता है। तो कभी केमिकल सनस्क्रीन में लगाने से तुरंत नहीं जाने का। जिसको एलर्जी होती है उसको फिजिकल सनस्क्रीन लगाना, केमिकल सनस्क्रीन नहीं लगाना। प्लस पॉइंट क्या है केमिकल सनस्क्रीन का, कि वो दिखने में अच्छा लगता है, एलिगेंट लगता है, इसमें काफी चीज मिक्स एंड मैच होती है, इसमें ग्लोइंग स्किन दिखती है, टिंटेड आता है, काफी चीज आता है कि स्किन में आपको एक बार सनस्क्रीन लगाया तो स्किन शाइनी लगती है ऐसा, तो वो फिजिकल सनस्क्रीन में पॉसिबल नहीं है। तो एक ये। दूसरा जो काफी हमने क्वेश्चन जो पूछा कि क्वेश्चन लगे कि ये सनस्क्रीन हो गया, समर टिप हम थोड़ा बाद में लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में आ जाएगी, अगर नहीं आएंगे क्योंकि समय थोड़ा कम है, अगर टिप नहीं आएगी तो मैं फिर आपको अलग से बता दूंगा। समर में जो टेम्परेचर होता है 38 to 44, 45, sometimes 48, तो ऑन एवरेज 40-42 टेम्परेचर रहता है, और ठंडी में हमारा टेम्परेचर रहता है 30 से नीचे। तो जो 10 से 15 डिग्री का जो एक्सट्रीम जो डिफरेंस होता है, इसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट स्किन को होते हैं, क्योंकि स्किन सबसे बाहरी ऑर्गेन है, इसमें सबसे ज्यादा चेंजेस आता है, अच्छा और बुरा दोनों। एक क्वेश्चन ये आ गया कि जब समर में जाते हैं, समर में कोई भी जगह पे, तो जो हमारा एक्सटर्नल पार्ट है वो डार्क हो जाता है और इनर पार्ट थोड़ा व्हाइट रहता है। तो पूजा जी का क्वेश्चन है कि हैंड एंड फेस कलर आर ऑफ डिफरेंट शेड ऑफ होल बॉडी, कैन यू गिव मी सम टिप्स? यस। आपको लोग क्या कहते हैं कि जब फेस में सनस्क्रीन लगाते हाथ में नहीं लगाते, तो आपको हाथ में भी लगाना चाहिए, एक्सटर्नल पार्ट में भी लगाना चाहिए, जो भी जितना भी अगर स्लीवलेस पहने तो पूरे में लगाना। बॉडी के लिए आपको लोशन यूज करना और फेस के लिए आपको क्रीम यूज करना, अगर आपकी स्किन ड्राई है। अगर ऑयली स्किन है तो आपको जेल बेस्ड सनस्क्रीन यूज करना फेस के लिए। एक तो प्रिवेंशन के लिए कि अगर आपकी ऐसी टेंडेंसी है तो आपको सनस्क्रीन लगा के बाद जाएगा। कभी कभी सनस्क्रीन लगाने के बाद भी पिगमेंटेशन थोड़ी चेंज आती है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसमें काफी डी टेनिंग क्रीम आती है, जिसमें इनग्रेडिएंट ग्लाइकोलिक होता है, कोजिक एसिड होता है, आर्बिट्रिन होता है, विटामिन सी होता है। तो इनग्रेडिएंट ऐसा होता है कि वो एक्सफोलिएट करके आपको डेली वो लगाना है, तो धीरे धीरे जो चेंजेस आए 6 week to 8 week में ये सेटल हो जाता है। फिर भी नहीं होता है, जिसमें वेरियस केमिकल पेस्ट आता है वो आप कर सकते हो, वेरियस लेजर क्यूसिच इंडिया लेजर आता है वो भी आप यूज कर सकते हो। परंतु आपको ऐसी टेंडेंसी है तो इसमें आपको ओमेगा फैटी एसिड की कैप्सूल और एक ग्लूटाथायोन की कैप्सूल बहुत काम करेगी। ग्लूटाथायोन का इंजेक्शन भी आता है, तो इंजेक्शन आपको विदाउट डर्मेटोलॉजिस्ट का, वो क्या बोलते हैं कि इसमें सुपरविजन के बिना नहीं ले सकते, परंतु कैप्सूल ग्लूटाथायोन ओवर द काउंटर मिल सकती है और इसमें 500 to 1 gram का इंग्रेडिएंट होता है। ग्लूटाथायोन मास्टर एंटीऑक्सीडेंट होता है, वो सनरेज जो अनवांटेड इफेक्ट से बचाएंगे, तो वो क्या करेगा एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगा, तो इजीली सन जो रेज को जो स्किन को डैमेज नहीं होने देंगे, और आपकी डैमेज हो गई तो उसको जो रिपेयरिंग में वो फास्ट काम करेगा।
तो मॉइस्चराइजिंग क्रीम, एंटी टैनिंग क्रीम, ये आपको टॉपिकल खाने में ओमेगा फैटी एसिड कैप्सूल आती है। अगर आप वेजिटेरियन है तो अलसी जो बोलती है आप वो खा सकते हो, नॉन वेज में तो काफी आपको ऑप्शन रहता है। और बाकी तो हाइड्रेशन, 3-4 लीटर पानी, और आपके डाइट में 30% फ्रूट होना चाहिए। फ्रूट से स्किन में जल्दी फायदा होता है क्योंकि विटामिन सी भरपूर रहता है। तो ये आपको होम बेस इलाज भी हो सकता है। और इसमें आप अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई नहीं है तो एस्ट्रेंजेंट भी आप यूज कर सकते हैं। एक्सफोलिएट ऑल्टरनेट डे और ट्वाइस ए वीक और वंस ए वीक डिपेंड ऑन स्किन कंडीशन आप यूज करते हैं। इससे क्या होता है, एक्सफोलिएशन हो जाती है और नई स्किन आती है, थोड़ी अच्छी आती है। परंतु खास ध्यान रखना, आपने एक्सफोलिएट किया, स्किन आपकी खुल गई और आप सन में धूप में जाने लगे तो ऐसी स्किन में रिंकल्स फास्ट हो जाएगा और पिगमेंटेशन वापस हो जाएगा, उनका क्वालिटी इंटेंस हो जाएगा, डबल काला हो जाएगा, तो वो ध्यान रखना। दूसरा, हाउ टू डील विद ड्राई स्किन। रचित ने क्वेश्चन पूछा कि ड्राई स्किन का इलाज कैसे हो सकता है। ड्राई 3 चीज से होता है। एक तो आपको जिनेटिक होता है कि भाई आप फादर मदर की जो हिस्ट्री होती है ड्राई स्किन की, आपकी भी बचपन से ड्राई होता है। दूसरा, बाद में एक्वायर्ड ड्राइनेस होती है कि जो बीमारी की वजह से भी आती है, कोई ड्रग की वजह से भी आती है, एनवायरमेंटल चेंजेस से आप एक सिटी से दूसरी कोई जगह वैसी जगह भी जाए कि वहाँ मेरा काफी पैसे रहना रहेगी। वो बोले इंडिया में स्किन अच्छी रहती है, जैसे हम यूएस में जाते हैं स्किन खराब हो जाती है क्योंकि यहाँ हमारी ह्यूमिडिटी ज्यादा है, वहाँ थोड़ा ड्राई एनवायरमेंट ज्यादा है। तो ये डिपेंड बहुत करता है, सीजनल जो ड्राइनेस आती है ना, विंटर में ड्राई हो जाती है और समर में ऑयली हो जाती है, तो सीजनल होती है। एक जेनेटिक होती है और एक डेफिशिएंसी वजह से, ओमेगा फैटी एसिड की डेफिशिएंसी होती है, विटामिन्स की डेफिशिएंसी होती है, मिनरल्स की डेफिशिएंसी होती है, आयरन की डेफिशिएंसी होती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी। तो पहले तो डेफिशिएंसी करेक्ट करना, अगर जेनेटिक है तो आपको थोड़ा एक्सेप्ट करके डेली मॉइस्चराइजिंग की हैबिट डाल देना। मॉइस्चराइजिंग भी 2-3 टाइप का आता है, ऑक्लूसिव होता है, ह्यूमिड टेक्टिंग जो एनवायरमेंट से थोड़ा खींच के आपको अंदर मॉइस्चर नमी दे, परंतु जब ड्राई एनवायरमेंट होता है तो वो काम का नहीं है। तो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट मिलके आपको एक्चुअली कौन सा मॉइस्चराइजर बॉडी के लिए कौन सा चाहिए और फेस के लिए कौन सा चाहिए वो तय करना पड़ेगा। खाने में भी आपको 30% फ्रूट और स्प्राउट ज्यादा लेने का, जिससे क्या स्किन में नमी रहे। ओमेगा फैटी एसिड जो सोर्स जो होता है वो फिश में ज्यादा रहता है और नॉनवेज में रहता है, परंतु वेजिटेरियन में अलसी और सलाड, ग्रीन सलाड ज्यादा लेना चाहिए। तो इससे आपको लॉन्ग टाइम में फायदा रहेगा क्योंकि आप लाइफ टाइम टेबलेट नहीं खा सकते, पर आप डाइट मॉडिफाई करके इसमें चेंज कर सकते हो। और मॉइस्चराइजिंग क्या बोलते हैं कि लंबे वाला भी आता है, जो इमोलियंट आता है ना, इसकी इफेक्ट अलग अलग ब्रांड में रहती है, अलग अलग। कोई आपको चिकना रहे ऐसा वाला हम, क्योंकि इसमें ओपन प्लेटफॉर्म में आपको ब्रांड बताना थोड़ा मुश्किल है, परंतु तो काफी ऐसा आता है, वाले एलोवेरा बेस होता है, काफी विटामिन ई युक्त होता है, वाइट पेट्रोलियम जेली होता है। इंग्रेडिएंट ऐसा होता है कि लॉन्ग टाइम सिया बटर होता है, कोको बटर होता है, तो वो लंबे समय रहता है। तो आपको ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्रीम जो होता है, और आप जब स्नान करो ना बाथ में भी आप कोई हाई फाई वो क्या बोलते हैं कॉस्मेटिक वाला साबुन मत यूज करें, इससे क्या स्किन ड्राई हो जाती है। हो सके इसमें बेबी ऑयल जाता है, बेबी सॉप जैसा वो यूज करो, अदरवाइज ग्लिसरीन वाला और डव सॉप भी आप यूज कर सकते हो जिसमें स्किन ड्राई ना हो। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और आपके जो डेली केयर है इसमें चेंज करना जरूरी है। विच क्रीम शुड आई अप्लाई हैव ऑयली स्किन। जुबे का मैसेज है, क्वेश्चन है कि विच क्रीम शुड आई अप्लाई इफ आई हैव ऑयली स्किन। अभी कौन से पार्ट में नहीं बताया, फेस में, हैंड में, हम फेस समझेंगे, फेस में ऑयली स्किन है तो कौन सा हम क्रीम लगाए। तो अगर आपकी एज छोटी है और एक्ने प्रोन स्किन है तो इसमें सैलिसिलिक बेस्ड जो क्रीम आती है वो आप लगा सकते हो, तो इससे क्या स्किन आपकी नॉर्मल रहेगी और थोड़ी ड्राइनेस भी महसूस करेंगे। और फिर भी बहुत ड्राई ऑयली ज्यादा है और एक्ने प्रोन स्किन है, पिंपल्स निकलते हैं, तो रेटिनोइक एसिड बेस्ड होता है, रेटिनोइक इसमें 0.012, 0.025, 0.5% भी आता है। तो डिपेंड, अगर आपकी स्किन ठीक है तो आप हायर कॉन्सेंट्रेशन ले सकते हो, अगर आपकी स्किन थोड़ी पतली है तो आप लो कॉन्सेंट्रेशन ले सकते हो। तो ये ड्राई ऑयली स्किन के लिए का वेरियस क्रीम है। एक क्वेश्चन खान, डू सख्या हैज वाइटनिंग प्रोडक्ट। हाँ, हमने भी थोड़ा वाइटनिंग प्रोडक्ट वो इतना इंटेंस हमने नहीं बनाया, परंतु यूजर फ्रेंडली लॉन्ग टाइम यूज करो तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं। ऐसे हमारे SSC वाइटनिंग क्रीम है, आप यूज कर सकते हो, इसमें हाइड्रोक्विनोन फ्री क्रीम है, कोजिक एसिड, आरबीटिन वो सबका कॉम्बिनेशन रखा। सजेशन फॉर सनस्क्रीन, वो नहीं बताया कि कैसी स्किन है,
व्हाई वी स्वेट आफ्टर अप्लाइंग सनस्क्रीन इन समर। प्रियांगी का क्वेश्चन है व्हाई वी स्वेट आफ्टर अप्लाइंग सनस्क्रीन। यस, तो ये किसी का क्या ऑक्लूसिव सनस्क्रीन जो आता है ना, इसे प्रॉब्लम रहता है। किसी को सनस्क्रीन लगाने से चेहरा थोड़ा ब्लैक दिखता है, तो वही तो इसीलिए बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट को एडवाइस बना के एक बार वो सनस्क्रीन, क्योंकि सनस्क्रीन ऐसा है कि आप लॉन्ग टर्म लगा सकते हो, एक बार आपको स्किन में कौन सी सूट होती है वो तय करना जरूरी है। तो इसीलिए सनस्क्रीन में ऐसी जो स्वेट ज्यादा होती है ना, तो सिलिकॉन बेस्ड भी सनस्क्रीन थोड़ी अच्छी है, दिखने में अच्छी है, और लेयर थोड़ा पतला होता है तो काम हमारा होता है। कोई कोई लेयर एकदम थिक लेयर होता है तो ये कॉमन प्रॉब्लम है। तो सनस्क्रीन जो होता है जेल बेस्ड आता है, क्रीम बेस्ड आता है और लोशन बेस्ड आता है, डिफरेंट प्रॉपर्टी होते हैं, और फोम बेस्ड भी आता है, फोम ऐसा है तो ये लेयर बना देता है। तो जैसे कोई भी सनस्क्रीन में थोड़ा ऑक्लूजन तो आएगा आएगा, क्योंकि उसने अगर ऑक्लूजन नहीं किया तो वो सन प्रोटेक्शन नहीं देगा ना, क्योंकि सर अगर बीच में गैप हो गया तो ये लेयर टूट जाएगा, तो ये सनस्क्रीन की इफेक्ट नहीं आएगी। लोग क्या करेंगे, सनस्क्रीन ऐसे लगा के ऐसे करते हैं, तो कभी मत, सनस्क्रीन एक ही डायरेक्शन, मानो कि आपने यहाँ डॉट डॉट लगा दिया तो ऐसे करना, दूसरी क्रीम के माप ऐसा मत कर देना, ऐसे डॉट डॉट करके फिर एक ही डायरेक्शन करना। अगर आपने सामने किया तो कहीं ना कहीं लेयर टूट जाएगा, तो वो जगह अनअफेक्टिव मीन्स वो जगह पे प्रोटेक्शन नहीं रहेगा, तो इतने में पैची पिगमेंटेशन आता है। तो थोड़ा तो रहेगा, फिर तो अगर आपने जेल बेस्ड सनस्क्रीन लिया और सिलिकॉन बेस्ड सनस्क्रीन लिया तो आपका जो बोलते हैं ना स्वेट का प्रोपोर्शन कम हो जाएगा। और यूजुअली लोग मॉइस्चराइजिंग क्रीम पहले लगाते बाद में सनस्क्रीन लगाते, तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको डायरेक्ट सनस्क्रीन लगाना है। एक वैसे व्हाट शुड बी डन टू प्रिवेंट एक्ने, गोपी का क्वेश्चन है। यस, ये थोड़ा आउट ऑफ द, फिर भी बता देता हूँ कि समर में एक्ने भी होता है, तो प्रिवेंट एक्ने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। एक तो डाइट मॉडिफिकेशन, स्पाइसी चटपटा हो सके कम करना ताकि वो हीट अंदर से न बने। कॉन्स्टिपेशन है तो आपको फाइबर वाला डाइट ज्यादा लेना है। फेस वॉश आपको अच्छा वाला लेना है जिसमें सेलिसिलिक ग्लाइकोलिक जो ऑयल को एब्जॉर्ब करे। ये आपको मेकअप जो मिनिमम कम मात्रा में मेकअप करना, और जो भी है वाटर बेस्ड मेकअप यूज करना। और फिर भी जो अगर आपको ज्यादा एक्ने प्रॉब्लम तो आपको टेबलेट भी लेना जरूरी है, तो इसे ऑयल लेने आपको छूटी जाए, परंतु तो टेबलेट आपको डर्मेटोलॉजिस्ट की एडवाइस बिना नहीं लेना। तो डाइट होता है आपकी डे क्रीम भी ऐसी होनी चाहिए कि इसमें क्लिंडामाइसिन नायसिनमाइड का कॉम्बिनेशन है, नाइट क्रीम में इधर बेंजाइल पेरोक्साइड और रेटिनोक्रीम का कॉम्बिनेशन है। रात को जो छिद्र जो पैक हो गए हैं उसको खोल देते हैं। आप पैक भी लगा सकते हो, काफी ऑयल कंट्रोल पैक भी आता है। स्क्रब मत यूज करना, एक्ने वाले को स्क्रब मत करना, एक्सफोलिएशन मत करना, क्योंकि वो वर्स होता है। तो ये सब ध्यान रखने से फायदा होता है। राहुल का क्वेश्चन है कि आई वॉन्ट टू रिमूव पिम्पल्स एंड वॉन्ट स्मूथ क्लियर स्किन। डेफिनेटली इट्स पॉसिबल राहुल, परंतु थोड़ा आपको भी कॉम्प्रोमाइज करना है, खाने पीने में कंट्रोल, आपकी जो प्रोडक्ट होता है वाइजली चूज करना, फ्रेंड बताए, टीवी में एड देख के मत यूज करना, यूट्यूब वीडियो देख के मत यूज करना। डाइट आ गया, कैप्सूल आ गया, क्रीम आ गया, और आपको 8 घंटे नींद चाहिए, 45 मिनट एक्सरसाइज चाहिए, ताकि खून जो एक्सरसाइज करने से खून बढ़ता है, तो आपको जो क्या बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन जो रिपेयरिंग का टाइम मिल जाए रात को। तो और टीवी मोबाइल जो से थोड़ा दूर रखना, क्योंकि इसमें हाई एनर्जी हाई फ्रिक्वेंसी विजिबल लाइट होती है, तो वो बिताना। जो एक हाथ से ताली नहीं बजेगी राहुल जी, दोनों हाथ चाहिए। तो फिर भी अगर आपका सोल्यूशन नहीं आया तो डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा के इसमें इजी, अभी कोई भी पिंपल चाहे कितना भी पस वाला हो, कितना भी बड़ा हो, मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से पॉसिबल है। अभी डिवाइस लेजर आ गया, इंजेक्शन आ गया, प्रोसीजर काफी आ गई है, तो ये आपको सोल्यूशन दे सकता है। रोजेशिया में कितना रिजल्ट मिल सकता है, बेस्ट लेजर फॉर रोजेशिया। चिंतन का एक क्वेश्चन है कि रोजेशिया में कितना रिजल्ट। रोजेशिया वैसे डिफिकल्ट है, परंतु अभी वास्कुलर लेजर जो आया है, हमने साउथ जो क्या बोलते हैं वेस्टर्न इंडिया में हम पहली बार लेकर आए, तो वास्कुलर लेजर जो बोलते हैं इसके दी ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। अदरवाइज इसमें मेट्रोजिन जेल आती है, डॉक्सीसाइक्लिन टेबलेट आती है, काफी ऐसा आइवरमेक्टिल जो इसका टेबलेट भी आता है, आइवरमेक्टिल का क्रीम भी आता है। तो डिपेंड कि कौन सा माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, वो एक क्लासिफिकेशन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आपका ट्रिगर फैक्टर कौन से, सनलाइट से बढ़ता है, अल्कोहल से बढ़ता है, स्ट्रेस से बढ़ता है, आउटडोर एक्टिविटीज से बढ़ता है, किसी का गुस्सा वाला स्वभाव है तो क्या ब्लड सप्लाई इजीली बन जाता है। तो ये सब काफी इसका क्या बोलते हैं स्टिमुलेटरी फैक्टर होता है, तो इसको दूर करना फिर ट्रीटमेंट वाला पार्ट।
तो रजेसिया मेडिकल लाइन से मिटते हैं अर्ली स्टेज में और लेटर स्टेज में मशीन से और इंजेक्शन से, और फोटोडायनेमिक थेरापी भी इसमें यूज कर सकते हैं, एलईडी लाइट भी यूज कर सकते हैं और पल्स डायलेजर भी यूज कर सकते हैं। स्किन रेडनेस में आईपीएल लेजर से 80% मिल सकता क्या? यस स्किन, परंतु आईपीएल अच्छा वाला होना चाहिए। काफी चाइनीज आईपीएल भी आ गया है तो इसमें अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट मिलता है, कभी स्किन जल भी जाती है। तो इसमें वास्कुलर फिल्टर जो आता है कि जो टिपिकली वो 685 नैनोमीटर के आसपास में काम लगता है, तो यस आईपीएल से अगर प्रॉपर आपने मशीन लिया, प्रॉपर पैरामीटर सेट किया तो आपको फायदा मिल सकता है। एक वजह सेंसिटिव स्किन के लिए सनस्क्रीन, सवानी जी का क्वेश्चन है कि सेंसिटिव स्किन के लिए सनस्क्रीन डेफिनेटली होता है। सेंसिटिव स्किन के लिए सनस्क्रीन जो होता है अच्छा वाला ब्रांड से यूज करना, और काफी ब्रांड जो मार्केट में अवेलेबल है, क्लिनिक से निक्टोजेना, ये क्या सिटाफिल है, सीबा मेड है, वो क्या आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट देगा। इसमें एक बार सनस्क्रीन सूट हो गया, आपको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है। और जो भी सेंसिटिव स्किन के लिए जो सनस्क्रीन होता है ऑलवेज फिजिकल सनस्क्रीन होता है, इसमें थोड़ा व्हाइट दिखेगा जरूर। आप केमिकल सनस्क्रीन से व्हाइट नहीं दिखता है, परंतु सेंसिटिव स्किन वाले को केमिकल सनस्क्रीन कम यूज करना है। प्लीज सजेस्ट मेड सनस्क्रीन विच गोट गिव व्हाइट कास्ट। सुमन जी का क्वेश्चन है, प्लीज सजेस्ट मेड सनस्क्रीन व्हाइट विच डोंट गिव व्हाइट कास्ट। एक इसका आता है ग्लैमर कंपनी का आता है, अच्छा वाला आता है, लास्ट सिल्क का गोल्ड बोलते हैं, और एक जो आता है सन फार्मा का जो आता है वो अच्छा वाला है, तो ये दो आप ट्राई कर सकते हैं। सनस्क्रीन फॉर ऑयली स्किन, वैभव का क्वेश्चन है कि सनस्क्रीन ऑयली स्किन, जेल बेस्ड सनस्क्रीन विदाउट फिल्म, आंख बंद करके अगर आपकी स्किन ऑयली है तो जो सनस्क्रीन में आप जेल लिखा वही यूज करना, क्रीम बेस मत यूज करना। और भी क्वेश्चन अच्छा है, विच एसपीएफ सो वी यूज व्हेन वी गो टू बीच और वाटर पार्क। मैक्सिमम सनस्क्रीन जो है एसपीएफ 50 मिनिमम चाहिए, इससे भी अगर ज्यादा मिलता तो मिल सकते, 50 मिनिमम चाहिए, क्योंकि जब बीच में जाएंगे तो वो इंटेंस सनलाइट होगा, और काफी वर्ड आता है वाटर रेजिस्टेंट, तो वो देखना खास, जो कोई आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हो बीच में जाते हो, वो वाटर रेजिस्टेंट वाला मैक्सिमम आपको 40 मिनट टू 1 आवर काम लगेगा। तो अगर ज्यादा आपको रहना है तो आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा एवरी 1 आवर। तो वाटर रेजिस्टेंट एसपीएफ मोर देन 50 होना चाहिए आइडियली। और एक सन फार्मा का जो अच्छा वाला जो मैं यूज करता हूँ, सन क्रॉस एक्वा करके आता है, वो अच्छा वाला। हाउ टू ट्रीट हेलोनेस अंडर आई रीमा। अंडर आई के लिए जो होलोनेस है, क्योंकि तीन चार चीज से वो पिगमेंटेशन आता है, एक तो एक्चुअल पिगमेंट है कि स्किन ऊपर वाली डार्क होगी, दूसरा स्किन लूज हो गई एजिंग की वजह से, स्किन लूज हो जाता है, तो आप देखना अगर स्ट्रेच करोगे तो एकदम क्लियर दिखता है, छोड़ देंगे तो ये रिंकस दिखता है, तो इसका ट्रीटमेंट अलग होता है। और एक जीरोसिस, छोटी उम्र होता है पर स्किन में डिहाइड्रेशन होता है इसलिए वो दिखता है, तो उसका अलग। होलोनेस के लिए फिलर मेन, अभी क्या बोलते हैं, लेटेस्ट और प्रचलित थेरापी वो फिलर हाइड्रोलिक जेल फिलर होता है, काफी रेस्टेलिन कंपनी, एलर्गन का कंपनी का जो फिलर आता है, वोल्बेला आता है, रेस्टेलिन लिफ आता है, काफी मिस डिपेंड ऑन आपकी एक्चुअली नीड क्या है। इसमें दूसरा ऑप्शन अभी नया जो आया है फैट ट्रांसफर, आपके पेट में से थाई में से थोड़ी फैट लेके यहाँ डाल देते हैं, इसको बोलते हैं नैनो फैट ट्रांसफर, तो उसकी लॉन्जिटिविटी थोड़ी लंबी रहती है, फिलर आपको 1.5-2 साल में रिपीट करना पड़ता है, परंतु फैट ट्रांसफर एक बार डाल दिया तो वो लंबे समय रहता है। पर ड्रॉबैक एक ही है कि जब आपने वेट कम किया तो वो थोड़ा कम हो जाता है, और आपने थोड़ा वेट बढ़ाया तो इसके साथ थोड़ा फूलता है, परंतु ये जिसका वेट बहुत फ्लक्चुएट है इसको नहीं करना चाहिए, अदरवाइज जिसका स्टेबल बॉडी वेट है वो कर सकते हैं। कैन वी यूज एसपीएफ एस अकॉर्डिंग टू एज क्राइटेरिया। भूमि का मैसेज है, कैन यू यूज एसपीएफ एस अकॉर्डिंग टू एज क्राइटेरिया। नहीं नहीं इसका कोई ऐसा नहीं है, और ये अभी तो बच्चे लोग भी लगा सकते हैं क्योंकि इसकी स्किन एकदम नाजुक रहती है, तो एज क्राइटेरिया वैसा नहीं है, परंतु यस क्योंकि जैसे जैसे एज होती है ना तो आपकी स्किन ड्राई होती है और आपकी यंग एज में स्किन थोड़ी ऑयली होती है, तो वो आपको जरूर पता है। एसपीएफ तो आपको 30 से 50 के बीच में सफिशियंट है, क्योंकि 30 SPF में 97% आपको प्रोटेक्शन देता है और SPF 50 आपको 98% देता है। अगर आपने SPF 90 दिया तो भी 99 से आगे नहीं जा सकता, तो 1% के लिए काफी ऑक्लूसिव, वो एकदम आपको थिक लेयर दिखेगा, तो
एसपीएफ 30 से 50 के बीच में सफिशियंट है। और एज क्राइटेरिया में जब बड़ी उम्र में होता है ऑलवेज लोशन और क्रीम के बेस में लेना, जेल बेस में नहीं। माय स्किन इज सेंसिटिव एंड कॉम्बिनेशन, कैन आई यूज विटामिन सी सीरम इन मॉर्निंग? विटामिन सी सीरम इसमें भी काफी ब्रांड आती है, क्योंकि विटामिन सी कभी कभी एक्ने फॉर्म इरप्शन करता है, पिंपल्स करता है। अगर आपकी सेंसिटिव में, जो सेंसिटिव का दो मीनिंग होता है, पतली स्किन और दूसरा सेंसिटिव, इसको इजीली एक्ने बन जाता है। कुछ भी लगा है, कुछ मेकअप किया, कोई नया सनस्क्रीन ट्राई किया, नया क्रीम ट्राई किया, तुरंत पिंपल बन जाता है उसकी, इसको भी सेंसिटिव बनते हैं। और दूसरी के स्किन एकदम पतली होती है, तुरंत रेड हो जाती है, समझिए, बर्निंग होता है, जलन होता है, पेन होता है और स्टिंगिंग इफेक्ट जो आती है, ये तो कभी कभी पस बन जाता है। तो ये सेंसिटिव स्किन अलग अलग होती है। अगर आपकी स्किन में एक्ने होता है तो आप विटामिन सी सीरम अकेला नहीं यूज करने का, तो थोड़ा कॉम्बिनेशन से कर सकते हैं। परंतु आपकी स्किन में एक्ने नहीं है फिर भी आपकी स्किन सेंसिटिव है तो विटामिन सी बेस्ट है, क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, आपको यूवी रेज से सबसे बचाएंगे, रिपेयरिंग का काम भी कर सकते हैं। डेफिनेटली आप विटामिन सी सीरम जो होता है मॉर्निंग में लगा सकते हैं, परंतु अगर आपका आउटडोर एक्टिविटी ज्यादा है तो मत लगाना, अगर आप इनहाउस है तो आप लगा सकते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज आपको शाम को लगाना। रेमेडीज फॉर बैक टेनिंग, रेमेडीज फॉर द बैक टेनिंग, क्योंकि हमारे क्या है, इंडियन में ट्रेडिशन में का ब्लाउज पहनते हैं और कोई ड्रेस ऐसा होता है कि जो अपर जो नेक होता है खुला रहता है, तो सबसे ज्यादा पिगमेंटेशन जो आउटर आर्म और अपर बैक में होता है। और किसी को मैक्युलर अमाइलोडिस होता है, मैक्युलर अमाइलोडिस में चार जगह पिगमेंटेशन होता है, फोरहेड और आई सर्कल, आउटर हैंड, अपर बैक और इसको लेग के नीचे पैर में, नी से नीचे जो आउटर पार्ट में जो होता है यहाँ पैर में होता है पिगमेंटेशन, ड्राइनेस होता है, स्किन धीरे धीरे थिक हो जाती है। अगर आपको मैक्युलर अमाइलोडिस है तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को बताना पड़ेगा, अदरवाइज ग्लाइकोलिक बेस्ड क्रीम होते हैं जो केराटोलाइटिक क्रीम बोलते हैं, कि एजिलिक एसिड होता है, ग्लाइकोलिक एसिड जो पुरानी स्किन रिपेयर निकालता है और नई स्किन रीजनरेट करता है, तो ये आप यूज कर सकते हैं ग्लाइकोलिक, और ये क्या बोलते हैं एजिलिक एसिड बेस्ड क्रीम होता है, इसमें फायदा करता है। विच ट्रीटमेंट इज एडवाइजेबल फॉर इंस्टेंट टैन रिमूवल, डॉक्टर पूनम? ओके, काफी कॉम्बिनेशन है, क्योंकि पेशेंट का बजट का भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपको हाई एंड एडवांस ट्रीटमेंट चाहिए और बजट नो बार है, तो इंस्टेंट टैन रिमूवल के लिए कार्बन फेशियल जो आता है, इसके बाद मेडिफेशियल आता है, तो आप कर सकते हैं। इससे क्या होता है, एक वन टाइप ऑफ कार्बन लेयर लगाते हैं, इसके बाद क्यूसीज एंडिया लेजर, तो वो क्या, जितना भी वो जो डेड स्किन होता है, डेमेज टैन स्किन होता है, इसको वो धुआं बना के निकाल देती है। इसके बाद आपको हाइलुरिक एसिड जेल आता है, वो लगाना चाहिए मसाज से, ताकि ये स्किन में, क्योंकि टैनिंग स्किन ऑलवेज ड्राई होती है, देखना ऑयली स्किन यूजली इजिली टैन नहीं होगा, डीडीटी ड्राई स्किन होती है, डार्क स्किन और थिन स्किन में इजिली टैनिंग हो जाता है, तो वह जरा आपको ध्यान रखना, क्योंकि कहीं भी आप बाहर जाए मॉइस्चराइजिंग पहले लगाना, इसके ऊपर सनस्क्रीन लगाना, क्योंकि हमने टैन रिमूव कर दिया और फिर आप वापस गए तो टैनिंग वापस आ जाएगी, तो प्रिवेंशन भी इतना ही जरूरी है, ट्रीटमेंट भी इतना जरूरी है। तो कार्बन फेशियल होता है जो बोलते हैं मशीन से होता है, वो टैन रिमूवल के लिए इंस्टेंट, अगर कोई बोले कि दो तीन दिन के बाद फंक्शन है तो दिस इज द ओनली ट्रीटमेंट वी कैन डू। इसके बाद इंजेक्शन भी कहा, नॉन क्रॉस लिंक हाइड्रोलिक एसिड इंजेक्शन, रेस्टोरेंट विटार वोलाइट करके आता है, वो स्किन में नीचे दे देते दे, ताकि उससे ग्लो आता है। आप जितनी भी सीरियल में जो आप जो हेरोइन होती है जिसकी स्किन एकदम फायरिंग होती है, एकदम गोरी गोरी होती है, तो वो ऑलवेज ज्यादा मेजोरिटी लोग ये इंजेक्शन लेते हैं, उसको बोलते हैं रेस्टोरेंट विटार और वोलाइट, वो इंस्टेंट ग्लो के लिए भी फायदा रहते हैं, मेन हाइड्रेशन, स्किन आपके अंदर से थोड़ी थिक करते हैं। माय फेस बिकम्स वाइट एंड ग्रेस आफ्टर अप्लाइंग सनस्क्रीन, ये कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि कोई कोई बोलते हैं कि सनस्क्रीन लगाने के बाद मेरा चेहरा थोड़ा काला लग रहा है, तो मेनली वो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होती है। मानो के देखो आप पानी नीचे ये पानी और नीचे वनस्पति है तो आपको पानी ग्रीन दिखेगा, और नीचे पत्थर है तो आपको पानी ब्लू दिखेगा, तो पानी नीचे की प्रॉपर्टी की वजह से ये ऊपर चेंज होता है। तो वैसा ये होता है कि ये सनस्क्रीन का जो पार्टिकल साइज कितना है, इससे रिफ्लेक्शन कितना होता है, तो ब्लू कलर सबसे ज्यादा दिखता है, ब्लू और ग्रे डार्केस्ट, तो फिर आपको आपका सनस्क्रीन चेंज करना चाहिए। और आप अगर केमिकल यूज करते हैं तो आप फिजिकल सनस्क्रीन लेना, फिजिकल लेते हो तो केमिकल ले लेना, दोनों से होता है तो लोशन फॉर्म में भी ले सकते हैं, और नेट
फिनिश भी आता है, सिलिकॉन बेस भी सनस्क्रीन आता है। आप एक दो सनस्क्रीन चेंज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इससे नहीं होता, फिर आप यूज कर सकते हैं। सनस्क्रीन यूज बाद हमें पसीना बहुत आता है, क्या करें? सनस्क्रीन यूज करने का वो क्वेश्चन आई थिंक ले लिया है कि सनस्क्रीन जो थिक लेयर ज्यादा मत लगाना, एक पतला लेयर लगाना। और अगर आपको केमिकल सनस्क्रीन से प्रॉब्लम है तो आप फिजिकल लेना, फिजिकल है तो ये लेना। और सबसे बेस्ट होता है सिलिकॉन जेल बेस आता है, वो पतला लेयर होता है, देखने में भी एलिगेंट लगता है, आपको लगाने भी मन होता है दूसरी बार। वरना कई कई सनस्क्रीन लगाने में अजीब सी फीलिंग आती है। और बिना फ्रेग्रेंस वाला लेना ऑलवेज। लिप्स ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट और ड्राई हो गए तो उनको स्मूथ और पिंक करने के लिए क्या? यस, ये कॉमन है कि जो भी आप लिपस्टिक जो लगाए इसमें पावा फ्री लिपस्टिक होना चाहिए। इससे क्या होगा, स्किन सेंसिटिव, यूवी रेस ज्यादा अट्रैक्ट होता है। पहले तो पावा सनस्क्रीन में आता है, परंतु अभी ये बैन हो गया, कम लोग यूज करते हैं। और कभी कभी एलर्जी भी होती है तो स्किन में ड्राइनेस होता है, कभी कोई दवाई से भी होता है, किसी को सीजनल होती है। जब लिप आपका ड्राई होता है, बाद में एक बार सेटल होने के बाद ये लिप स्किन चिपक जाती है, तो वो ड्राई एंड डार्क महसूस करवाती है। तो अभी लिप्स लाइट करके क्रीम मार्केट में मिलती है, लिप्स लाइट, वो इथिकन कंपनी की है, इथिक केयर कंपनी की। इसमें ग्लाइकोलिक कोजिकेटी जो भी एक्सफोलिएटर होते हैं वो धीरे धीरे स्किन निकालते हैं, वो आपको रात को लगाना है और दिन में यहाँ सनस्क्रीन लगाना है। आप करेंगे धीरे धीरे आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी। फिर भी नहीं है तो इसमें लेजर रीसर्फेसिंग होता है, पूरी स्किन निकाल देते हैं और फिर वो नई स्किन आती है। इसमें हाइड्रेशन का इंजेक्शन भी आता है, किसको बहुत इंटेंस ड्राई होती है, अगर उसमें क्या बोलते हैं फिसर बनता है तो इसमें इंजेक्शन आता है। तो ये ब्लैक और लिप्स लाइट क्रीम आप कंटिन्यू 6 वीक से 8 वीक लगाए तो आपको काफी फायदा होगा। फेस पील जो होता है, कोई भी आप पीलिंग करवाते हैं वो सुपरफिशियल होता है, और लेजर थोड़ा डीप जाता है। ये मानो कि ऊपर ये एपिडर्मिस है थे और नीचे डर्मिस है, एपिडर्मिस में कोई ब्लड सप्लाई नहीं रहता है, डर्मिस जो होता है इसमें ब्लड सप्लाई। आप चमड़े में थोड़ी ब्लीडिंग, अगर नीडल लगेगा तो ब्लीडिंग नहीं होगा, आपने थोड़ा नीचे किया तो ब्लीडिंग होगा। तो जो एपिडर्मिस होता है, जो पीलिंग ज्यादा काम करेगा एपिडर्मिस में, और लेजर जो होता है नीचे जाके तो पिगमेंटेशन के लिए ज्यादा पीलिंग काम करेगा, परंतु शॉर्ट लास्टिंग है क्योंकि ऊपर की स्किन हर 6 वीक में चेंज हो जाती है, तो लेजर से जो इफेक्ट आता है लॉन्ग लास्टिंग है। तो डिपेंड, किसी का कारण ही सुपरफेशियल है तो उसको लेजर की जरूरत नहीं, उससे पील से हो जाता है। परंतु आपका स्कार है, आपको एंटी एजिंग ट्रीटमेंट चाहिए तो आपको लेजर चाहिए। आप अगर छोटी उम्र है और आपका पर्पज सिर्फ पिगमेंटेशन है तो पील से आपका काम हो जाता है। परंतु आप बोले मुझे लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट चाहिए, मुझे कम समय में कम बार आना है, तो आप लेजर यूज कर सकते हैं। तो पील के बारे में, सुपरफिशियल आपकी इटियोलॉजी कारण है तो आप पील यूज करना, आपको लॉन्ग टर्म और डीप रूटेड लेजन है तो आप लेजर यूज करना। लेजर भी डिफरेंट टाइप का आता है, अर्बियम याग, अर्बियम ग्लास, क्यू स्विच, फ्रेक्सल सीओ टू लेजर, देन पल्स डाय लेजर जो आता है, एमएनआरआर माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रिक्वेंसी आता है, थुलियम लेजर आता है। तो डिपेंड कौन सा आपकी जो ट्रीटिंग डॉक्टर है किसमें मास्टर है और आपको कौन सी रिक्वायरमेंट है। कैन प्रोडक्ट्स लाइक मॉइस्चराइजिंग फाउंडेशन, बीबी क्रीम विच कंटेंट एसपीएफ एज ए कंटेंट, नहीं ये पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि ये जब कॉम्बिनेशन होता है ना तब ऑलवेज सनस्क्रीन कॉम्प्रोमाइज होता है। तब जब भी आप करो ना तो लास्ट में आपको, मानो कि आपने बीबी क्रीम लगाई तो भी आपको लास्ट लेयर सनस्क्रीन लगाना पड़ेगा। कोई भी फाउंडेशन जो भी करो, लास्ट लेयर आपका सनस्क्रीन होना चाहिए, सनस्क्रीन के ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। आप सोलो, हाँ आपको इन हाउस एक्टिविटी होती है तो आप कर सकते, परंतु आउटडोर एक्टिविटी सोलो काम नहीं कर सकते। हाँ जिसको इतना, बहुत गोरे लोग होते हैं जिसको ज्यादा टैनिंग नहीं आता वो यूज कर सकते हैं, पर अदरवाइज अगर आपकी टैनिंग टेंडेंसी है तो आप कभी मत यूज करना। आप इससे पर डिपेंड नहीं रहना, ऐसा नहीं कि यूज मत करना, पर आपको साथ में सनस्क्रीन चाहिए। तो समर में इन शॉर्ट टिप्स ऐसी होनी चाहिए, मैं आपको बताऊं कि समर जो भी ग्रेसफुली हमें एक्सेप्ट करना, क्योंकि हम चाहे ना चाहे समर तो हर साल आता रहेगा, तो ये ऑनगोइंग प्रोसीजर है। हाइड्रेशन 3-3.5 लीटर अगर आपका 60+ वेट है तो आपको पीना चाहिए, रूटीनली 2-2.5 लीटर पिएगा तो चलेगा। 30% फ्रूट आपको होना चाहिए डेली, फ्रूट और सलाद 30% डाइट में होना चाहिए। जो भी वॉक अर्ली मॉर्निंग और लेट डे टाइम में अगर स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है तो आपको डिहाइड्रेशन बहुत और हो जाएगा, तो आपको ज्यादा पानी और पीने का है। और सनस्क्रीन विदाउट सनस्क्रीन आप सोच ही नहीं सकते, क्योंकि
पहले बोले कि सनस्क्रीन लगाने से विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, ऐसा नहीं है। विटामिन डी तो आप इसका सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, और थोड़ा भी पैर में हाथ में लिया तो आपका वो आ जाता है, परंतु स्किन में जो चेंजेस आता है वो इरिवर्सिबल होता है। बाद में चाहे कितना भी ट्रीटमेंट करो, कितना भी लेजर फिलर बोटॉक्स करो, जो प्रोटेक्शन में जो प्रिवेंशन में आपने जो टाइम निकला वो इससे भरपाई नहीं होता है, तो वो खास ध्यान रखना। फिर एक्सफोलिएशन स्क्रब डिपेंड आपकी स्किन है, वंस ए वीक एवरी फोर्टनाइटली आप कर सकते हो। डे क्रीम नाइट क्रीम जो होता है आप इसको क्या बोलते हैं स्किलफुल यूज करो, अदरवाइज क्या आपकी स्किन और डैमेज हो जाती है, ड्राई हो जाती है। बार बार फेस वॉश क्रीम से फेस वॉश से मत करना, 2 से 3 बार सिर्फ। अगर बहुत स्किन ऑयली है तो सिर्फ पानी से करो, क्योंकि ज्यादा आपने फेस वॉश यूज किया स्किन को ड्राई कर दिया तो बॉडी ऐसा आइडेंटिफाई करे कि मेरी स्किन ऊपर ड्राई हो गई तो वो और ऑयल बनाएगा, तो वो विशेष साइकिल में आप फंस जाएंगे। जब भी आप रात को सो विदाउट मेकअप रिमूव, क्योंकि अभी लेडीज बहुत काम करती है, अभी कोरोना में तो पॉजिशन थोड़ी डिफरेंट है, फिर भी मेकअप रिमूव करने के बाद ही आपको सोना चाहिए, अदरवाइज क्या अगर जो छिद्र होता है आपको क्लोज हो जाए क्लोजर। रात को पूरी हमारी पूरी सिस्टम रिपेयरिंग मोड में जाती है, इंक्लूडिंग स्किन। अगर रात को स्किन को रिपेयरिंग नहीं हुआ तो दूसरे दिन आपको फ्रेशनेस नहीं दिखती, आई सर्कल ज़्यादा दिखेगा, स्किन डल हो जाएगी, वो सब ध्यान रखना। और वॉक 45 मिनट वॉक डेली, खून घूमना चाहिए, और डाइट में भी बैलेंस कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट मिनरल्स विटामिन सब, अगर न्यूट्रिशन आपका डाइटिशियन हो तो मिलकर आप तय कर सकते हो क्योंकि वो डाइट लेना। पर इन सब पानी ज़्यादा पीना, फ्रूट ज़्यादा लेना, सलाद, और बच्चे में हैबिट डालना, क्योंकि बड़े नहीं करेंगे, अगर बच्चे को आप बोलते रहेंगे ये खाओ तो कभी नहीं करेगा। बच्चे सुनते ज्यादा कम सुनते हैं परंतु वो अनुकरण ज्यादा करेंगे, वो देखते हैं कि मदर फादर क्या करते हैं, इसीलिए कभी आप नहीं करते हो, आप खुद मोटे हो और बच्चे को बोलते पतला हो जाए तो कभी नहीं होगा, आपको करके दिखाना पड़ेगा। सनस्क्रीन आप नहीं लेकर बच्चे को बोले सनस्क्रीन लगाओ तो कभी नहीं लगेगा, तो इसमें पेरेंट्स में खासतौर मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज्यादा है। बस तो इसमें मेजोरिटी आ गया, खान पान है, सनस्क्रीन है, फेस वॉश है, वॉक है, एक्सरसाइज है, डाइट है, स्ट्रेस डी रिलीविंग, और अब मास्क लगा भी, हाइड्रेटिंग मास्क आया है मार्केट में, आप वन से वीक लगा के 30 मिनट 45 मिनट आप लगा के सो जाते हो जी, तो इसे के इसमें एलोवेरा बेज होता है, हाइड्रोलिक एसिड बेज होता है, और पपाई फ्रूट बेज होता है, वो जो मास्क आता है सूदिंग मास्क होता है, तो आप लगा सकते हैं, इससे आपको स्किन रिफ्रेश रहती है। बाकी अगर फिर भी नहीं होता तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास काफी वेपन है, काफी ट्रीटमेंट का ऑप्शन है, वो आप चूज कर सकते हो। तो आशा रखता हूँ कि आपको ये अच्छा लगा, फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें जरूर सख्या स्किन क्लिनिक में आप वेबसाइट में भी चले जाओ, हमारा इंस्टा में, हमारा यूट्यूब में, फेसबुक में, सब जगह पे अकाउंट है, तो आप इसमें जो कॉमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच।